सूरतेहाल से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। पंजाब हाउस हो या इस्तकबाल की तैयारियां, वफाकी सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जीटी रोड पर सफर ना करने की तजवीज दी गई है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा आज वजीर आला पंजाब एक मुशावरती इजलास के लिए पंजाब हाउस पहुंच रहे हैं, जिसके बाद जीटी रोड से रवानगी को हतमी शक्ल दी जाएगी। बशीर चौधरी से इस बारे में मजीद जानते हैं। बशीर चौधरी, खतरात हैं इस बारे में आगाह किया गया है नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल तारिक, आज पंजाब हाउस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुख्तलिफ़ जो मुलाकातें हैं मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं की वो जारी हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात हुई है वो वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की हुई है। और हमारे ज़राए ने यह बताया है कि एहसन इकबाल ने वफाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं सिक्योरिटी की, ख़ास तौर पर जी टी रोड पर सफ़र के हवाले से, वो पेश की हैं। और वफाकी सिक्योरिटी इदारों ने साबिक वज़ीर आज़म को ये तजवीज़ दी है कि वो जी टी रोड पर सफ़र ना करें, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने फिल वक्त ये तजवीज़ जो है वो मुस्तरद कर दी है और वो बजिद हैं कि वो जी टी रोड के रास्ते ही सफ़र करें। दूसरी जानब जो है वो शहबाज शरीफ भी नूर खान एयरबेस पर पहुँच चुके हैं और वो थोड़ी ही देर में पंजाब हाउस पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पंजाब के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं और उन रिपोर्ट्स को और वफाकी इदारों की रिपोर्ट्स को मिलाकर जो आज का मशावरती इजलास है उसमें उनका जायज़ा लिया जाएगा और हतमी फैसला किया जाएगा। हतमी फैसला किया जाएगा। बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।